सर हमें बिजली फिटिंग के लिए घर में क्या क्या इम्पोर्टेंट है? देखो जैसा कि आप नया घर बना रहे हो, दो कमरे, किचन, लैट्रिन, बाथरूम, उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिशियन थोड़ा समझदार हो जो कि सही तरीके से बक्से फिट करे कि कितने मॉड्यूल का बक्सा कहाँ पे ज़रूरी है। जाओ मैं सुनाता हूँ आपको। जैसे कि ये कोठी है अपनी, इसमें हमारा ये लॉबी है, ठीक है, तो इसमें हमारे पॉइंट के हिसाब से, जैसे कि ऊपर पॉइंट है हमारे 10 लाइटें हैं, तो हमें 12 मॉड्यूल का बक्सा एक लॉबी में रखना है और एक हमें एंट्री की तरफ रखना है कि हमारी एंट्री कहाँ से हो रही है। तो जैसे कि अब हमने सारी सर्किट की पाइपें इधर छोड़ी हैं, तो हमारा यहाँ पे लग जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ से हमारे सारे आएंगे मैन बॉक्स में। हमने ये 10 वे का लगाया हुआ है और नीचे आके यहाँ पे अपना 6 मॉड्यूल का लगाया हुआ है बॉक्स, जिसमें हम मैन एंट्री के लिए 2-4 पॉइंट दे देंगे। उसके बाद हमने लॉबी में यहाँ पे 12 मॉड्यूल का लगाया हुआ है, सारी हाफे इसमें आ जाएंगी आराम से, ठीक है। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा इतना सा एरिया है, इसके अंदर इन्होंने यहाँ पे स्टोर बनाना है, तो हम यहाँ पे इन्वर्टर और ट्रांसफार्मर वगैरह सब रख सकते हैं आराम से। इसके लिए हमने वहाँ पे 6 मॉड्यूल का लगा दिया, ठीक है गाइस। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये एक छोटा रूम के दोनों साइड जगह छोड़ी है, तो यहाँ पे हमने 2 डिब्बी है बल्ब और एक 6 मॉड्यूल का बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पे, जिसमें कि हमारे एक सॉकेट और 2 स्विच एक्स्ट्रा आ जाएंगे, जिससे कि यहाँ पे आदमी आराम से पंखा लगा के भी बैठ सकते हैं। और ये रूम है, रूम इनके थोड़े छोटे हैं, इस वजह से हमें बेड साइड पे एक पॉइंट देना पड़ा है, क्योंकि 6 फुट का बेड होता है तो हमने उससे हटा के देना होता है। अगर रूम बड़ा हो तो हम दोनों साइड पे 3.5-3 फुट पे बक्स लगा देते हैं, 2-6 मॉड्यूल का 2 फुट ऊपर हाइट करके। ओके गाइस, उससे हमें आसानी होती है, हम वहाँ पे हाफ वगैरह और पंखे की हाफ भी, रेगुलेटर भी छोड़ देते हैं। और स्विच बोर्ड हमारा हमेशा इस साइड पर लगता है, जैसे कि इस तरफ से हमारी एंट्री है गेट की, और गेट हमारा लेफ्ट साइड खुल रहा था, हमें राइट साइड पे बक्सा लगाना है, जिससे कि हमारा बक्सा पीछे छुप ना जाए, हमें मुश्किल ना पड़े, इसलिए हम इस साइड पे लगाते हैं हमेशा। कुछ लोग होते हैं कि उल्टे हाथ पे लगा देते हैं कि वो दरवाजे के पीछे छुप जाता है या दूर हो जाता है, तो ये गलती नहीं करनी है आपने कभी भी, ठीक है गाइस। तो अब चलते हैं, ये नेक्स्ट रूम है हमारा, आप देख सकते हो ये नेक्स्ट रूम में, जैसा कि यहाँ से एंट्री है, इस कमरे की डबल एंट्री है, एक बाहर की तरफ से है और एक इस तरफ से एंट्री है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमने एक बक्सा लगा दिया 6 मॉड्यूल का, इस तरफ इनका बेड भी आ जाएगा और यहाँ से ऑन ऑफ भी हो जाएगा कुछ ना कुछ, और साथ में एक लाइट का स्विच भी आ जाएगा, एक सॉकेट, यहाँ पे इनको आसानी हो जाएगी, बहुत आराम से अपना चार्ज वगैरह लगा सकते हैं। और एक एंट्री हमारी ये मेन एंट्री, जो कि हमारे बाहर की गेट से एंट्री हो रही है, तो इसलिए हमने 12 मॉड्यूल का मैन बॉक्स स्विच बोर्ड यहाँ पर लगा दिया है, और यहाँ से सारी लाइटें कंट्रोल हो जाएंगी, अपना बाहर की 1-2 लाइट भी यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर हमने पावर पॉइंट दिया है। तो ओके गाइस, एलसीडी के लिए लगाना है आपने जब भी बोर्ड, तो ये ध्यान रखना है कि एलसीडी में हमेशा 6 मॉड्यूल का बॉक्स लगाना है, जिसमें कि 200 सॉकेट आ जाए, ये नहीं कि आप लगा दो उसमें 3 मॉड्यूल का, बाद में आपको दिक्कत आए, परेशानी आए कुछ ना कुछ लगाने में। अच्छा गाइस, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। किचन भी दिखा देता हूँ, जैसे कि ये हमारी किचन है, छोटी किचन है, तो किचन में सबसे ज़रूरी होता है कि एक तो एडजस्ट फैन का पॉइंट जो कि हमने यहाँ पे छोड़ दिया एडजस्ट फैन के लिए, ठीक है गाइस। ये किचन थोड़ा नॉर्मल है इसलिए हमने इस पर ज़्यादा पॉइंट नहीं छोड़े, मगर मैं बता देता हूँ, हमारे जो स्लैब डलती है उसके ऊपर 2-6 मॉड्यूल के बॉक्स लगते हैं, एक हमारा अटैक्शन बॉक्स वगैरह के लिए और हीटर के लिए। ओके गाइस, तो हमारा जैसे कि एक डोर है, डोर हमारा इस साइड पर खुल रहा है, तो हमें इधर जगह नहीं बची है, तो हमें यहाँ पर लगा देना 6 मॉड्यूल का स्विच बोर्ड। ओके गाइस, तो और अपना छोटे मोटे पॉइंट जैसे आरओ होता है, गीज़र होता है, उन सब के लिए भी हमें पॉइंट छोड़ने होते हैं। ओके गाइस, तो ध्यान रखना है इन चीज़ों का कि कोई भी पॉइंट वगैरह मिस ना कर दो, आप आराम से बहुत सही तरीके से सोच समझ के काम करें। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करें।